विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी से उनके निवास स्थान कल्पा में उपायुक्त किन्नौर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने मुलाकात की तथा उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उनके साथ 18 वर्ष पूर्ण कर पहली बार मतदाता सूची में शामिल नव युवा मतदाता भी साथ थे। इस अवसर पर उपायुक्त ने देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण को प्रदेश की शान किन्नौरी टोपी व पवित्र खतक भेंट कर सम्मानित किया। वहीं उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि श्याम शरण नेगी न केवल किन्नौर व हिमाचल बल्कि देश के आइकन है और देश को इन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमें खासकर युवाओं को श्याम शरण नेगी से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा मतदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी की स्वीप तथा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि श्याम शरण नेगी के संदेश का पूरे प्रदेश भर में प्रचार किया जाएगा तथा लोग उनके आह्वान पर चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि यहाँ के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर हैं श्री श्याम शरण नेगी जी, वो सिर्फ किन्नौर या हिमाचल के नहीं पूरे भारतवर्ष के एक आइकन हैं। तो इनका हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ में और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं इनमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। हम इनसे बाइट भी लेंगे और इनसे हम इंटरेक्शन भी आज करवा रहे हैं। जो हमारे कुछ नए वोटर हैं जो 18 से 19 साल की उम्र में जो पहली बार मतदान करेंगे, इनसे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ताकि लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सके। और इनका हम एक वीडियो बाइट भी लेंगे जो कि हम पूरे प्रदेश में सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि ये हमारे नेशनल आइकन है और ये जो है इनके बोलने से काफ़ी लोग जो है स्पेशली हमारा यूथ जो है वो प्रेरित होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है, चाहे वो लोकसभा असेंबली का हो या फिर पंचायत राज का हो, उन्होंने सभी इलेक्शंस में अभी तक जो 1952 से हुए हैं उन सभी इलेक्शंस में भाग लिया है। तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे किन्नौर में भी और पूरे हिमाचल में भी अपने जो नए वोटर्स हैं उनको जो है प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें जो आने वाले हो रही है। हर पाँच साल के बाद। अच्छा। हाँ जी, इस बार भी डालेंगे आप वोट। अब शरीर की हालत तो बहुत ही खराब और मेरी हौसला है ही वोट डालने का नहीं, फिर भी मैं मरते मरते एक चांस और वोट डालने का मौका मिल जाए इसमें बड़ी खुशी होगी। आजादी कितना सुधार हुआ, कितने लोग खुश हुए, इस देश का माहौल बहुत ही अच्छा जा रहा है। खासकर मोदी का रूलिंग बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाए तो सोने की चिड़िया बन जाएगा ये। हाँ जी, हाँ जी, बनाना है ठीक। और आज इस हालत को उस हालत से आज की हालत में कितना सुधार हुआ है, ये तकरीबन देश आज़ाद हुए को 70 साल हो रहे हैं। 70 सालों में 14 बार वोटिंग का सिलसिला हमें प्राप्त हो रहा है, हो रहा है और होना है। तो 13 वोट हो चुके, तो 13 वोटों में हाँ बढ़ चढ़ करके आगे से आगे अच्छे अच्छे नेते खड़े होते हुए देश को काफ़ी सुधार में लाया है। राजों का राज नहीं, अमीरों का ठाट नहीं, गरीब जो टुकड़ों पर पलते थे आज वो टुकड़े खत्म हो गया, सब भरपेट एक रोटी खा रहे हैं और ऐसे ही ये आगे से आगे बढ़ता जाए। तो ये आप लोग नए जवानों से प्रार्थी है कि इस देश को उठाने के लिए हर समय ख्याल दिन रात ख्याल रखते हुए काम करें, बस मेरा यही है। मेरा नाम रेशमा सोनी है, मैं कल्पा की रहने वाली हूँ।
और मैं आज यहाँ पे श्री श्याम शरण नेगी जी से मिलने आई हूँ। मैं हम यहाँ पे ये सब सीखेंगे कि मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे वोट के बारे में जानने आई हूँ। मेरा इस वर्ष फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो पढ़े लिखे हो, जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा सब चीज़ों के बारे में, मतलब हर एक चीज़ में हमारा सपोर्ट करे, हमारी हर एक चीज़, हर एक समस्या की हल निकाले। हम ऐसे वोटर को चुनना चाहेंगे। मेरा नाम अंजलि है, मैं कल्पा की रहने वाली हूँ और आज मैं यहाँ हमारे फर्स्ट वोटर जी से मिलने आई हूँ जो हमारे कल्पा के हैं। और मैं उनसे ये सब सीखूंगी कि हम वोट किसे दें, कैसे दें, और बहुत सारी नॉलेज की बातें सीखूंगी मैं इनसे। और हम ऐसे इंसान को वोट देंगे जो कि मतलब हमारे ज़िले के और गांव के मतलब हर हेल्प कर सके और हमें मतलब सिखाएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हम इन सब मतलब इन सब चीज़ों के लिए सीखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हमारा फर्स्ट वोट है जो हम आज यहाँ से सीख के जाएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है।